गुड मॉर्निंग एवरी वन. टुडे वी आर स्टार्टिंग आर्टिकल इन ग्रामेटिकल पोर्शन इन इंग्लिश. दिस इज फॉर 6, 7, 8 and 9. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग आर्टिकल. फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर. बिकॉज राइट आई मीन मतलब यू हैव टू लर्न. सो आर्टिकल्स, तो इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड हमने सीखा है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं. मतलब आर्टिकल आप सबको पता है, आर्टिकल ए एन एंड दी. ए एन एंड दी, दीज थ्री आर कॉल्ड आर्टिकल्स. द वर्ड ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट ए एंड द. ए का यूज कब होता है, एंड का यूज कब होता है और दी का यूज कब होता है. ठीक है. तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन क्लासिफाइड आर्टिकल्स इन टू टू डिफरेंट टाइप. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन क्लासिफाइड आर्टिकल इन टू टू डिफरेंट टाइप. टू डिफरेंट टाइप में हम आर्टिकल्स को क्लासिफाइड वर्गीकृत कर सकते हैं. तो कौन सा पहला है, डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा टाइप है इनडेफिनेट आर्टिकल. देखो इसके नाम में इसका मीनिंग छुपा हुआ है एज ऑलवेज, और इसके नाम में इसका डेफिनेट मतलब क्या कि जो है सत्य हकीकत है वो होता है डेफिनेट. मतलब हमने कहता है यस मैं डेफिनेटली आऊँगा, यस सर मैं डेफिनेटली करके आऊँगा. तो ये हुआ डेफिनेट आर्टिकल और ये हुआ इनडेफिनेट आर्टिकल. ठीक है. तो डेफिनेट आर्टिकल में देखते हैं कि व्हेन यू आर फुल्ली श्योर अबाउट सच थिंग्स. व्हेन यू आर फुल्ली श्योर अबाउट सच थिंग्स, मतलब किसी भी घटना के बारे में या फिर किसी भी इवेंट में आप फुल्ली श्योर हो के, फुल्ली श्योर मतलब 100% श्योर, आपको पता ही है कि ये सत्य है. ठीक है. अब हमको पता है कि ठीक है तो रामायण इज अ मतलब होली, तो वो सत्य हकीकत के, रामायण हमारा पवित्र ग्रंथ है. ठीक है. तो वो एक है. तो उसका एग्जाम्पल है प्लीज रिटर्न मी द पेन दैट आई गेव यू. प्लीज रिटर्न मी द. देखो इधर द का यूज हुआ. जब हम किसी भी इवेंट में फुल्ली श्योर होते हैं तब आर्टिकल दी का यूज होता है. जब हम किसी भी इवेंट में 100% श्योर होते हैं तब आर्टिकल दी का यूज होता है. और दी का और द कब होता है, जब कोई पर्टिकुलर पर्सन या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर पर्टिकुलर कोई लोकेशन है हमारा. ठीक है. तो लोकेशन है. ठीक है. अब हमको पता है कि एसपी हमारा किधर है, तो भूमि टाउनशिप में, तो वो पर्टिकुलर लोकेशन है. ठीक है. तो हम वहाँ पे दी लगाएंगे कि एसपी इज़ इन द भूमि टाउनशिप. राइट. तो एसपी स्कूल इज़ इन द भूमि टाउनशिप. तो वहाँ पर दी का यूज़ होता है. कोई पर्टिकुलर पर्सन है तो वो सारी चीज़ों में हम श्योर होते हैं. मतलब मैं 100% में ही हूँ. ठीक है. मेरे जैसा कोई है नहीं, वैसे भी मेरे जैसा कोई नहीं है. राइट. तो कोई पर्टिकुलर पर्सन, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर कोई पर्टिकुलर लोकेशन जिसके बारे में, या फिर कोई पर्टिकुलर इवेंट है जिसके बारे में हम 100% श्योर है. इस एग्जांपल में मैंने लिखा है प्लीज़ रिटर्न मी द पेन दैट आई गेव यू. मुझे पता है कि मैंने किसी को पेन दिया है. देखो मैंने पेन को टारगेट किया है इधर कि प्लीज़ रिटर्न मी द पेन दैट आई गेव यू. मैंने तुझे जो पेन दिया था वही पेन मुझे वापस करो. कृपया मुझे वो पेन वापस करो जो मैंने तुम्हें दिया था. प्लीज़ रिटर्न मी द पेन दैट आई गेव यू. राइट. तो ये हुआ हमारा डेफिनेट आर्टिकल. तो डेफिनेट आर्टिकल हमारा कौन सा हुआ, द. तो द हुआ हमारा डेफिनेट आर्टिकल. देखो तो अब बचे क्या, ए और एन. तो ए और एन वो ऑब्वियसली वो हमारे हो गए इनडेफिनेट आर्टिकल. अब डेफिनेट आर्टिकल में मैंने बोला था कि जब हम कोई पर्टिकुलर इवेंट या कोई पर्टिकुलर पर्सन या फिर कोई पर्टिकुलर लोकेशन को टारगेट करते हैं और 100% हम श्योर होते हैं. ठीक है. तो हम द का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे भी उसका उल्टा है. मतलब दे डोंट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन. दे डोंट पॉइंट आउट मतलब वो कोई पर्टिकुलर इवेंट को या कोई पर्टिकुलर पर्सन को या फिर कोई पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट आउट नहीं करता है. ठीक है.
अब दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर हमें कहना है कि यस मुझे 100% पता है किसी भी चीज़ के बारे में, हमें या तो पता होता है या फिर नहीं पता होता, उसमें तीसरी पॉसिबिलिटी है, खुद विचार करो। ठीक है, तो उसमें कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर अगर हम 100% श्योर है तो द का यूज़ करते हैं, तो दे डोंट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, कोई पर्टिकुलर पर्सन को, या फिर इधर मैं लोकेशन लिखूँ या फिर कुछ भी लिखूँ, मतलब सिटी कोई पर्टिकुलर, तो उसके बारे इसको कोई पॉइंट आउट नहीं करता है, ऐसे वर्ड में हम यूज़ करते हैं एफ एंड एन। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, पेन का एग्जांपल लिया था, मैंने किसी को पेन दिया था, वो पेन में रिटर्न मांग रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मैंने पेन का एग्जांपल लिया है, आई नीड अ पेन, है ना। यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं लिखा आई नीड द पेन, ठीक है, मुझे कोई भी पेन चाहिए, अभी मुझे चॉक चाहिए अभी, ठीक है, तो मैं मांगूंगा किसी से चॉक, तो मुझे मैं बोलूंगा कि मुझे चॉक दो, कि मैं ऐसा नहीं, अगर मुझे वही चॉक चाहिए, सपोज कि मुझे येलो कलर का कोई कलर चॉक चाहिए, तो मैं सामने वाले को बोलूंगा कि मुझे वो येलो कलर का चॉक दो जो मैंने तुम्हें कल दिया था, ठीक है, अभी मुझे चाहिए, लेकिन अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कोई चॉक दो, क्योंकि इधर ढेर सारे चॉक पड़े हुए हैं, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि आई नीड अ पेन, आई नीड अ चॉक, ठीक, तो वो कोई पर्टिकुलर नहीं, मतलब पेन, तो पेन तो कितने टाइप की होती है, मतलब राइट, कोई पर्टिकुलर टारगेटेड नहीं है कि मुझे वही पेन चाहिए, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तो हमने टारगेट किया था कि मुझे वही पेन चाहिए जो मैंने तुम्हें कल दिया था, और यहाँ पे मुझे कोई भी पेन चाहिए, आई नीड अ पेन, सेम गिव मी एन एप्पल, मुझे कोई एप्पल दो, ठीक है, गिव मी एन एप्पल। अब ए कब यूज होता है, एन का कब यूज होता है और दी का कब यूज होता है वो हम देखेंगे। सो यूजेस ऑफ आर्टिकल का, आर्टिकल का कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, कौन सा आर्टिकल कहाँ पे यूज होता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है, मतलब हमको इंग्लिश बोलना सीखना है, मतलब फॉर गुड कम्युनिकेशन स्किल, मतलब राइट नाउ इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड द इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, बिकॉज यू हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश विथ एवरीवेयर, राइट। सो तो इंग्लिश में मतलब किसी भी लैंग्वेज में क्या होता है, मतलब कहाँ पे कौन सा शब्द यूज़ करना है, शब्द कौन सा सही कहाँ पे है, ठीक है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आर्टिकल ए और द का कुछ ऐसा ही है, मतलब कौन सा आर्टिकल कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, तो वो देखते हैं कि यूजेस ऑफ आर्टिकल। तो हमारा पहला आर्टिकल है एन, हम एन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स, एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विथ वोवेल साउंड, वोवेल, तो कितने वोवेल कैरेक्टर्स है हमारे, ए ई आई ओ एंड यू, ठीक, ए ई आई ओ यू, फाइव वोवेल कैरेक्टर्स है हमारे, टोटल अल्फाबेट है, ठीक है, तो वोवेल देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, वोवेल कैरेक्टर नहीं लिखा है, वोवेल साउंड लिखा है यहाँ पे, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वोवेल साउंड, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन हमारे फाइव वोवेल है, ए ई आई ओ एंड यू, तो इधर मैंने एग्जांपल लिया है एन एक्स्ट्रा पेन, राइट, तो देखो एन यूज हुआ, यहाँ पे ई है, तो ये हुआ हमारा वोवेल, एन आंट, तो यहाँ पे ए है, तो देखो ये हुआ रहा हमारा यहाँ पे वोवेल, एन इंग्लिश मैन, ई है, ये हुआ हमारा वोवेल, तो आगे हुआ, आगे एन यूज हुआ, राइट। अब देखो यहाँ पे मैंने जब बोला था कि कोई पर्टिकुलर टारगेट को, मतलब कोई पर्टिकुलर इवेंट को या फिर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम टारगेट नहीं करते हैं जब 100% हम श्योर नहीं है, तो देखो एन एक्स्ट्रा पेन, पेन लेकिन कौन सा पेन, कोई भी, राइट, एन आंट, कोई एक चीटी, लेकिन कौन सी पता नहीं है, मतलब 100% श्योर नहीं है, हम कोई एक सब समूह में बात करते हैं, पेन तो पेन का समूह है हमारे पास, उसमें से कोई हमें एक पेन चूज करना है, कोई एक पेन लेना है, जैसे ही आंट, आंट का कितना एक मतलब समूह है, उसमें से कोई हम कोई पर्टिकुलर आंट की बात नहीं कर रहे, मतलब पूरे समूह की बात कर रहे हैं, एन इंग्लिश मैन, एन इंग्लिश मैन, तो इंग्लिश मैन कोई एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे, पूरे इंग्लिश मैन, पूरे समूह की बात कर रहे हैं इंग्लिश मैन, तो वो हमारा फुलफिल हुआ जो हमारा था, कि मतलब वी कैन नो, मतलब वी आर नॉट, इफ़ वी आर नॉट टारगेटिंग एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, लोकेशन, एनी पर्टिकुलर पर्सन और एनी पर्टिकुलर इवेंट, एट दैट टाइम वी हैव टू यूज़ ए एंड एन, राइट। तो अभी ए का सीनारियो हम इसके बाद देखेंगे, लेकिन अभी एन के लिए है, तो मैंने साउंड का बोला कि साउंड इज साउंड, पर्टिकुलर साउंड, ठीक है, तो साउंड क्या, मतलब देखो ये तो हमारा एग्जाम्पल है, लेकिन इंग्लिश में
कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड आते, मतलब मेरे एक सर थे वो कन्फ्यूजिंग वर्ड को बोलते थे कन्फ्यूजिंग वर्ड, तो कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड है, अभी मैं लिखता हूँ ऑनेस्ट, इसको पढ़ा जाता है ऑनेस्ट लेकिन एच साइलेंट है, ठीक है, इसको ऑनेस्ट नहीं बोलते, इसको ऑनेस्ट बोलते हैं, तो ये कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड है, ठीक है, जो स्टार्ट एच से होते हैं लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन होता है ओ से, ऑनेस्ट, तो मतलब साउंड वही है, मतलब हम कोई मतलब पर्टिकुलर कोई वर्ड अगर बोलते हैं उसका साउंड साउंड ए ई आई ओ यू किसी स्वर से स्टार्ट होता है तो हमें एन यूज़ करना है, ऐसा मतलब ये नहीं देखना है कि ए ए तो इधर ई है इधर ए है, ऐसा नहीं देखना है, साउंड देखो एक्स्ट्रा, मैं एक्स्ट्रा बोलूँगा तो स्टार्ट कहाँ से होगा, ये हुआ हमारा वोवल एन एंट, इसे स्टार्ट हुआ एन इंग्लिश मैन, तो ई से स्टार्ट हुआ तो ये हमारे हुए ओवल, हिंदी में आपको पता है ना हिंदी में भी ओवल ओवल आते हैं ई, और गुजराती में भी वो सेम ही है, तो हमें साउंड को पकड़ना है ना ही कोई पर्टिकुलर वर्ड को या फिर ना ही कोई पर्टिकुलर सिंगल कैरेक्टर को, हमें साउंड को हमको सुनना है और साउंड पर से ही हमें डिसाइड करना है कि कहाँ पे एन यूज़ करना है और कहाँ पे ए यूज़ करना है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा एन का। फिर मैं कोई एक लाइव एग्जांपल लेता हूँ, चलो ठीक है, मैंने जो कन्फ्यूजिंग वर्ड की बात की तो उसका कोई एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, ठीक है, सपोज व्हाट ब्लैंक व्हाट ए यूनिक वॉच, चलो मैं अपना खुद का एग्जांपल लेता हूँ, मैं क्योंकि मैं यूनिक मैन हूँ, राइट, तो मतलब कोई अगर मुझे देखेगा तो मतलब मेरे हाथ को देखेगा तो कोई बोलेगा कि मतलब ये बंदा दूसरे कुछ पीछे किसी बंदे से अलग है, राइट, तो बोलेगा व्हाट ब्लैंक यूनिक मैन, और इधर ए और एन दिया गया है, ठीक है, दोनों में से एक, तो हम तो मतलब सोचेंगे कि मतलब यू से स्टार्ट हुआ, यू हमारा वोवेल है तो आँख बंद करके ए, अगर आपने ये सिलेक्ट किया एन देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, अभी यहाँ पे हमने लिखा था साउंड को पकड़ना है, जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं व्हेन वी आर प्रोनाउंसिंग एन एनी वर्ड सो वी हैव टू कैच द प्रॉपर साउंड नॉट प्रॉपर एनी पर्टिकुलर वर्ड और नॉट एनी प्रॉपर पर्टिकुलर कैरेक्टर, सो यू यूनिक, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा यूनिक, देखो यूनिक, तो यू तो हमारा वोवेल है नहीं, ठीक है, अब हिंदी में या गुजराती में लिखोगे ओ ई तो लिखोगे उसमें य आएगा, तो य मतलब जो ये य है इज नॉट बिलोंग्स टू वोवेल, राइट, तो इधर हमें ए लिखना पड़ेगा, अब मतलब आपने आप इन जनरल लाइफ में बोलते हो व्हाट अ यूनिक मैन व्हाट अ यूनिक वॉच, राइट, तो मतलब इधर है, तो कॉन्सेप्ट यही था कि हमको साउंड को पकड़ना है, वी हैव टू कैच द साउंड नॉट एनी पर्टिकुलर वर्ड ए ई आई ओ यू, सो ये कॉन्सेप्ट था कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड का। सो सेकंड कंडीशन है हमारी के एन हम कब यूज़ करते हैं, पहला मैंने हमने समझा कि किसी वोवेल साउंड को पकड़ना है, वी हैव टू कैच द ड्यूरिंग प्रोनाउंसिएशन, सो ए ई आई ओ यू जैसा कोई मतलब स्वर है मतलब कैसा कोई वोवेल साउंड है तो हम एन का यूज़ करते हैं। तो सेकंड क्या है देखो, तो बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विथ साइलेंट एच, राइट, साइलेंट एच, सो साइलेंट का तो आप सबको पता है, मतलब जो देखो अभी मैंने ऑनेस्ट का एग्जांपल लिया था तो ऑनेस्ट तो वो एच से स्टार्ट होता है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऑनेस्ट, ऐसे हम नाइफ, ठीक है, तो नाइफ, तो वहाँ पे भी के साइलेंट होता है लेकिन हम बोलते हैं नाइफ एन से, मतलब न से हमारा प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है, राइट, तो बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद साइलेंट लेटर एच, तो एन ऑनेस्ट मैन एन ऑनरेबल पर्सन एन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, राइट, तो ये साइलेंट एच मतलब ये स्टार्ट होता है एच से लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है ऑनेस्ट, राइट, इधर भी होगा हमारा एन ऑनरेबल, ऑनरेबल मतलब
माननीय, हम बोलते हैं ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, राइट। तो ये था हमारा एच, साइलेंट एच का कॉन्सेप्ट। अब एन और कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, तो हम कोई शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म मतलब इन अ सेंस दैट कि कोई हमारा पर्टिकुलर कोर्स है, ठीक है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर MBA बोलते हैं हम लोग, BA बोलते हैं, ठीक है, या फिर कोई शॉर्ट फॉर्म है, तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, तो ये हमारा एक थर्ड कंडीशन हुआ कि व्हेन वी आर यूजिंग एनी शॉर्ट फॉर्म एट दैट टाइम वी हैव टू यूज आर्टिकल एन। फॉर एग्जाम्पल देखो हमारा MBA है, राइट, MBA, फिर हमारा BE का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, MEE, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, तो ये शॉर्ट फॉर्म हुए सब, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, इधर होगा हमारा मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, राइट। तो ये हमारा, हमने जब शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं किसी चीज़ के, तो उसके आगे हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं, NBE NME, राइट, फिर MP, उसके आगे हम यूज़ करते हैं एन। तो सारे शॉर्ट फॉर्म है उसके आगे भी हम एन यूज़ करते हैं। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आर्टिकल एन, द यूज़ ऑफ आर्टिकल एन, तो हमने कौन से तीन सिचुएशंस देखी, कौन से तीन कंडीशंस देखी जहाँ पे हमें आर्टिकल एन का यूज़ करना है, ठीक है। तो पहला था हमारा वोवेल साउंड, जब हम किसी मतलब किसी का प्रोनाउंसेशन करते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड का, तो जो वर्ड का प्रोनाउंसेशन है वो कोई वोवेल साउंड से, कोई वोवेल लेटर के, कोई वोवेल साउंड से अगर स्टार्ट होता है, द प्रोनाउंसेशन स्टार्ट विथ एनी वोवेल लेटर्स, देन वी हैव टू यूज आर्टिकल एन। फिर हमारा दूसरा कंडीशन था कि कोई साइलेंट लेटर एच से स्टार्ट होता है, द वर्ड बिगिंस विद साइलेंट लेटर एच, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्ट, फॉर एग्जाम्पल ऑनरेबल, राइट। तो कोई एच वाला, कोई साइलेंट लेटर वाला कोई वर्ड है जिसका स्टार्ट होता है हमारा एच से, लेकिन उसका प्रोनाउंसेशन कोई वोवेल से, कोई वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है, राइट, तो वहाँ पे भी वी हैव टू यूज आर्टिकल एन। एंड द थर्ड सीनारियो इज when we are writing short forms, right, short forms like BE, ME or any courses, right। फिर हम कोई स्कूल का नाम मतलब लिखते हैं, मतलब सरदार पटेल है तो SP लिखते हैं, कोई भी फिर शॉर्ट फॉर्म हो, ठीक है, हमारे MLA होता है तो उसका हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, तो कोई भी शॉर्ट फॉर्म हो, तो शॉर्ट फॉर्म जो के बिगिनिंग में भी वी हैव टू यूज आर्टिकल एन। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट आर्टिकल ए, एन में हमने देखा था, तो सेम उसी फॉर्मूले में हम देखें ताकि हमें याद रखने में थोड़ा इजी रहे, ठीक है। तो अब आर्टिकल ए की बात करते हैं, आर्टिकल एन में हमने क्या क्या मतलब पढ़ा था कि वोवेल साउंड से मतलब वोवेल साउंड से साउंड्स करता है, तो वो सब, तो यहाँ पे भी मैंने कुछ डेफिनेशन ऐसा ही लिखा है कि ए, आर्टिकल ए इज यूज्ड वी फॉर द वर्ड्स विच आर बिगिंस विथ कंसोनेंट साउंड, राइट, कंसोनेंट मतलब व्यंजन, और व्यंजन में क्या आता है, क, ख, ग, सारे। तो आर्टिकल ए कहाँ पे यूज होता है, तो आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स विच आर बिगिंस विथ कंसोनेंट साउंड, मतलब कंसोनेंट साउंड, साउंड मतलब कोई भी पर्टिकुलर हमारा वर्ड है, अगर कंसोनेंट साउंड, कंसोनेंट कोई वर्ड मतलब कंसोनेंट कैरेक्टर का साउंड करता है, तो वो उसके आगे हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। वहाँ पे एन में क्या था कि कोई वोवेल साउंड करता है तो उसके आगे हम एन यूज़ करते थे, यहाँ पे हमें कंसोनेंट याद रखना है, ठीक है, कंसोनेंट के आगे। तो ए गुड गर्ल, देखो गुड, तो ग हमारा क्या हुआ, कंसोनेंट हुआ, तो उसके आगे हमने आर्टिकल ए का यूज़ किया। क्या था, अ ब्यूटिफुल फ्लावर, ठीक है, तो बी मतलब ब, हमें ये हिंदी में आप याद रखो या फिर ना रखो, आपको साउंड ही याद रखना है, ठीक है, ए ई
आई ओ यू और बाकी सारे मतलब बी सी डी वो सारे याद रखने हैं, ठीक है। तो वो मतलब कंसोनेंट साउंड्स, मतलब ये देखो ग मतलब गुड, तो ग क्या है हमारा कंसोनेंट लेटर है, तो कंसोनेंट लेटर से साउंड करता है, तो हम वहाँ पे उसके आगे आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। इसे सेम एज इट इज़ पे है अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो बी तो ब, ब हमारा कंसोनेंट लेटर है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग आर्टिकल ए, राइट। फिर दूसरा आर्टिकल ए और कहाँ पे किसके आगे हम यूज़ करते हैं, देखो हमने वहाँ पे देखा था कि ऑनेस्ट वाला कोई साइलेंट लेटर वाला देखा था, यहाँ पे भी ऐसा कोई सीनारियो होगा, तो हाँ मतलब है वहाँ पे हमने जो साइलेंट लेटर वाला देखा था कि एच वाला देखा था कि जो अ से साउंड करता था, मतलब एच साइलेंट लेटर था, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ है, मतलब कोई ऐसे वर्ड्स, तो बिफोर सच वर्ड्स मतलब जिसका कंसोनेंट होता है, मतलब क्या होता है कि होता है कंसोनेंट लेकिन कंसोनेंट जैसा बिहेव नहीं करता है, ठीक है। तो बिफोर सच वर्ड्स विच डोंट हैव अ साउंड्स लाइक कंसोनेंट, आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर सम वर्ड्स विच डोंट हैव कंसोनेंट साउंड, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, राइट। सो है क्या हमारा यू से स्टार्ट हुआ लेकिन उसके आगे हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। फिर अ वन रूपी कॉइन, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा अ वन वन रूपी कॉइन, तो यहां पे भी हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे, राइट। सो वी हैव सीन इन द आर्टिकल एंड द साइलेंट वर्ड, मतलब साइलेंट वर्ड का मतलब लिया था कि एच हमारा साइलेंट है, उसका प्रोनाउंसेशन होता है हमारा अस है, तो वी आर यूजिंग आर्टिकल एंड, तो सेम कॉन्सेप्ट आर्टिकल ए में भी है, राइट। तो आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सच वोवेल्स, बिफोर सच वोवेल्स, राइट। देखो वर्ड्स पे मतलब फुल्ली फोकस करना, वर्ड्स पे मतलब वो मतलब कंसोनेंट और वोवेल्स में आप कहीं घूम जाओगे, राइट। तो बिफोर सच वोवेल्स विच डोंट हैव साउंड ऑफ वोवेल्स, वहां पे क्या था हमारा, मतलब होता है हमारे ऑनेस्ट स्टार्ट हमारा होता था कंसोनेंट कंसोनेंट कैरेक्टर से लेकिन उसका साउंड होता था अ से ऑनेस्ट, ठीक है। तो हम वहां पे आर्टिकल एन का यूज करते थे, तो वहां पे भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, मतलब क्या है कि सच वोवेल्स मतलब कोई वोवेल से स्टार्ट होता है, कोई वोवेल कैरेक्टर से हमारा कोई पर्टिकुलर वर्ड स्टार्ट होता है लेकिन उसका साउंड क्या होता है, विच डोंट हैव ए साउंड्स ऑफ वोवेल्स, मतलब कोई पर्टिकुलर वोवेल के कैरेक्टर से, कोई वोवेल अल्फाबेट से हमारा कोई वर्ड स्टार्ट होता है लेकिन उसका साउंड वोवेल्स होता नहीं है। उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये तो हमारा यू, यू हमारा वोवेल है ना, वोवेल है हमारे पास ए ई आई ओ एंड यू, तो यू हमारा वोवेल है लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, सच वोवेल्स मतलब कुछ ऐसे वोवेल्स, कुछ ऐसे स्वर जिसका जिस वो साउंड्स लाइक दे आर नॉट वोवेल्स, मतलब ऐसे साउंड करते हैं कि वोवेल ही नहीं है, मतलब यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हुआ ना यूनिवर्सिटी, ये मतलब प लग रहा है यूनिवर्सिटी, तो यू से स्टार्ट हुआ देखो, तो जो आप लिखोगे उसमें य इज नॉट बिलोंग्स टू वोवेल्स, देखो ए ई आई ओ यू में है लेकिन हमें देखना क्या है, कोई पर्टिकुलर अल्फाबेट नहीं देखना है, हम इधर साउंड्स की बात कर रहे हैं,
हम जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमारे गले में से जो आवाज़ आती है तो वो आवाज़ को हमें पकड़ना है। कोई पर्टिकुलर, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर पे या फिर कोई पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को नहीं पकड़ना, हमें क्या देखना है, साउंड्स। जब देखो आर्टिकल ए में भी हमने अभी बात कर रहे हैं, आर्टिकल एन में भी बात की थी, और द में भी ऐसा ही, मतलब हमें साउंड्स पकड़ना है। कि आर्टिकल एन आर्टिकल्स क्यों मतलब है यूज़फुल, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन स्किल, मतलब रियल लाइफ में हमें इंग्लिश बोलना है, ठीक है। अब हम मुझे किसी को कुछ बोलना, अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं हर स्टेटमेंट आपको लिख के नहीं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, दिस इज़ अ पेन, आई हैव अ ब्लैक बोर्ड, आई हैव अ डस्टर, आई हैव अ चोक, आई हैव अ लॉट्स ऑफ फ्रेंड, राइट। तो मतलब वो हम किसी को लिख के नहीं बोलते, मतलब मुझे किसी को कुछ बोलना है तो आई हैव अ फ्रेंड, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आप, हम बोलेंगे ही, ठीक है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलेंगे, तो बोलने में बोलना है हमें, कम्युनिकेशन स्किल हमारी इंप्रूव करने के लिए, इसलिए हम साउंड्स ले रहे हैं, ठीक है, साउंड्स की बात कर रहे हैं, हमारा प्रोनाउंसिएशन साउंड्स की। तो यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी से स्टार्ट यू से होता है। तो देखो हमने यहीं यही लिखा कि सच वोवेल्स विच डोंट हैव ए साउंड्स ऑफ वोवेल्स, मतलब कुछ वोवेल्स है जो वोवेल्स की तरह, मतलब होता है ना कुछ, मतलब कुछ यूनिक मैन, मतलब होते हैं, मतलब दिखते इंसान जैसे है लेकिन उसकी हरकत है मतलब जानवरों जैसी होती है। तो मतलब यही कुछ है, मतलब होते हैं वोवेल्स लेकिन वोवेल्स की तरह बिहेव ही नहीं करते, ठीक है। तो उसके आगे हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। एन में क्या था, साइलेंट का। ये दोनों कॉन्सेप्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई वोवेल्स जो वोवेल्स की तरह बिहेव नहीं करता है तो उसके आगे आर्टिकल ए, और फिर कोई मतलब कोई ऐसा कंसोनेंट वर्ड जो है कंसोनेंट लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन कोई वोवेल साउंड से होता है तो उसके आगे हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं, राइट। फिर दूसरा एग्जाम्पल है अ, वन, रुपी, कॉइन, एक रुपए का सिक्का। तो ये देखो, ये वो भी वोवेल है ओ, लेकिन है क्या वोवेल्स की तरह साउंड करता है, अ वन रुपीज, वन, तो वह तो हमारा वोवेल नहीं है, अ आ अ आ ई ई उ में तो वह तो हमारा आता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा वोवेल है वोवेल वन, लेकिन साउंड्स लाइक किसी कंसोनेंट वर्ड की तरह, किसी कंसोनेंट वर्ड की तरह साउंड्स करता है, तो इसलिए इसके आगे भी हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। नाउ तो आर्टिकल ए और आर्टिकल एन के बारे में हमने देखा, ठीक है। तो उसके कुछ मतलब केसेस है, मतलब कोई स्पेशल नोट्स है, मतलब ध्यान में रखने वाले कुछ बातें हैं, तो वो हम देखते हैं, ठीक है। तो क्या है कि ए एंड एन बोथ आर यूज्ड फॉर इंडिकेट एनी वन पर्टिकुलर इवेंट, ऑब्जेक्ट और पर्सन, राइट। तो मतलब क्या है कि इंडिकेट एनी वन पर्टिकुलर इवेंट, ऑब्जेक्ट और पर्सन, आर्टिकल ए एंड एन का यूज होता है कोई पर्टिकुलर इवेंट को इंडिकेट करने के लिए, या फिर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, या फिर कोई पर्टिकुलर लोकेशन को, या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन को। तो हमने एग्जाम्पल लिया था कि एन यूनिवर्सिटी, ठीक है, पची पेन, तो मतलब ये पेन तो कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, यूनिवर्सिटी है तो मतलब वो कोई लोकेशन है या फिर कोई संस्था का नाम है, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा आर्टिकल ए एंड एंड, आर्टिकल ए एंड आर्टिकल एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन। अब नाउन का नाम आपने मतलब नाउन क्या है वो सुना होगा, मतलब सिक्स्थ वालों को शायद नहीं पता होगा लेकिन सेवन्थ एट्थ और नाइन्थ वालों को पता होगा नाउन। तो मतलब नाउन के हमारे नाउन हम मतलब डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब फाइव टाइप्स के नाउन होते हैं हमारे, ठीक है, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये नाउन आपके लिए, मतलब जिसके लिए भी नाउन नया वर्ड है या फिर भूल गए हैं, तो मतलब नाउन का मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। तो नाउन क्या है, नाउन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, द नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब वो कोई स्पीच का, मतलब कोई सेंटेंस का एक मतलब पार्ट है। नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इंडिकेट एनी पर्टिकुलर पर्सन, एनी पर्टिकुलर आइडिया, एनी पर्टिकुलर थिंग्स, मतलब कोई विचार है या फिर कोई आइडिया है। सपोज कि मैं, तो मेरा नाम है अल्पेश चावड़ा, ठीक है, तो वो नाउन हुआ हमारा, मेरा नाम। क्रिकेट तो प्लेइंग क्रिकेट, हमने मतलब इसके अगले लेक्चर में हमने देखा था कि विराट प्लेज क्रिकेट एवरी डे, राइट। तो विराट हर रोज़ क्रिकेट खेलता है, तो उसमें क्रिकेट क्या था, क्रिकेट हमारा नाउन था, क्योंकि
क्रिकेट जो नाउन है हमारा, मैंने क्या बोला कि कोई पर्टिकुलर थिंग को या फिर कोई पर्टिकुलर आइडिया को, इवेंट को, लोकेशन को इंडिकेट करता है। किसी नाउन मतलब नाम, किसी का नाम, मेरा नाम, तो वो नाउन हुआ, ठीक है। क्रिकेट, क्रिकेट वो गेम का नाम है, ठीक है। वो नाम है तो वो है क्या, तो प्लेइंग के साथ क्रिकेट था, सॉरी प्लेस के साथ क्रिकेट था, विराट प्लेस क्रिकेट एवरी डे, जो हमारा लिखा था हमने विराट, ठीक है। इसको मैं अब इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो वो हमने सेंटेंस एंड इट्स टाइप में देखा था इसके प्रीवियस लेक्चर में। मैं वही एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्या कि थोड़ा मतलब अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अच्छा हो, राइट। तो वो हमारा एग्जांपल था विराट प्लेज क्रिकेट एवरी डे, राइट। तो मतलब प्लीज खेलता है, तो विराट क्या खेलता है यार, मेरे अगर बोलता है कि विराट क्या खेलता है, हमें बोलना है विराट प्लेज क्रिकेट एवरी डे। देखो तो क्रिकेट मतलब वो कोई एक पर्टिकुलर इवेंट था, कोई गेम खेला जा रहा था, उसको मैंने नाम दिया कि मतलब इस गेम को क्रिकेट कहते हैं, जिसमें मतलब दो बैट्समैन होते हैं, उसके हाथ में बैट होता है, एक बॉलर होता है, ठीक है। तो वो मतलब एक इवेंट हो रहा है, मतलब बॉलर बॉलिंग कर रहा है, बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, फील्डर फील्डिंग कर रहा है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर मतलब कुछ घटना हो रही है वहाँ पर, उसको मैं देख रहा हूँ, तो फिर मैंने उसका नाम दे दिया कि क्रिकेट। तो क्रिकेट वो हमारा नाउन, राइट। तो वो हमारा है नाउन। तो नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इंडिकेट एनी पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। पर्टिकुलर पर्सन यानी मतलब हम ह्यूमंस, मतलब मैंने अभी मतलब कोई मैं घोड़े को देख रहा हूँ तो मैं बोलूँगा हॉर्स, तो हॉर्स क्या हुआ, हमारा नाउन हुआ। स्कूल बस है हमारी तो मैं बोलूँगा बस, तो बस क्या हुआ, वो बस का नाउन हुआ, ठीक है। तो वो हमारा नाउन, तो नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, द नाउन इज अ, जिसके लिए नया है वो मतलब प्लीज फोकस ऑन इट, द नाउन, नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इंडिकेट्स एनी पर्टिकुलर इवेंट, एनी पर्टिकुलर पर्सन, एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एनी पर्टिकुलर लोकेशन, जिसका भी हम मतलब दुनिया में सारी चीज़ों का नाम होता है, तो वो सारे नाउन्स है। नाउन्स हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब नाउन्स के भी टाइप होता है, तो वो सब हम तब देखेंगे, लेकिन अभी के लिए नाउन मतलब इतना समझ लो कि नाउन मतलब नाम, जो कोई पर्टिकुलर किसी की आइडेंटिटी, राइट, किसी की आइडेंटिटी, मतलब आप मुझे मेरे नाम से जानते हो, तो वो नाउन हुआ कि मतलब, ठीक है। तो वो आइडेंटिटी तो क्या है, मतलब ए एंड एन, ए एंड एन, आर्टिकल ए एंड आर्टिकल एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन विच इज नॉट यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ थिंग्स, राइट। तो इसका एग्जांपल है अ डॉग इज फेथफुल एनिमल, डॉग फेथफुल एनिमल है, ठीक है। तो वो एक क्लास हुआ, क्लास ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब डॉग, मैंने कोई पर्टिकुलर टॉमी या फिर कोई पर्टिकुलर नहीं बोला है कि ये है, ठीक है। डॉग कुत्ता एक फेथफुल एनिमल है, ठीक है। तो वो पूरा एक क्लास ऑफ थिंग्स हुआ, मतलब कितने सारे, मैं सारे कुत्तों की बात करो। एंड ऑरेंज, जब मैं बोलूँगा कि एंड ऑरेंज, तो मतलब आपको कोई मतलब पर्टिकुलर ऑरेंज नहीं याद आएगा कि हाँ मैंने 2017 में वो ऑरेंज खाया था। अब क्या मतलब आपके दिमाग में कौन सा इमेज क्रिएट होगा ऑरेंज का, अरे ऑरेंज कलर का कुछ होता है फल, खट्टा होता है, तो उसका मतलब एक इमेज उसका क्रिएट होगा। जब मैं डॉग बोलूँगा, ठीक है, अगर आपके घर पे आपका कुत्ता है तो आपको वही दिखेगा, ठीक है। ले मेरे घर पे नहीं है कुत्ता, तो मुझे तो मतलब सारे कुत्ते मेरे लिए एक समान होते हैं, तो मुझे कोई बोलेगा कि घोड़ा, तो मतलब मेरा घोड़ा मुझे क्रिएट होगा, कि मेरा इमेज क्रिएट होगा मेरे मन में। तो मतलब वही है, कोई पर्टिकुलर, कोई मतलब रिप्रेजेंट, कोई क्लास को रिप्रेजेंट करता है। मतलब मैं स्कूल बस बोलूँगा तो मतलब वो स्कूल बस एक मतलब पूरा है, मतलब कोई कौन सा भी स्कूल बस हो, मतलब पूरा एक समाज, इन शॉर्ट मतलब बोल सकते कि मतलब पूरा एक समाज है, ठीक है। तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ थिंग्स, कोई मतलब कोई पर्टिकुलर पूरे समाज को रिप्रेजेंट करता है। अभी मैं इधर मैं फ्रूट लिख दूँ तो फिर उसमें सारे आ गए, एप्पल, चेरी, जो भी वॉट एवर, ठीक है। तो वो एप्पल लिख दूँ तो मतलब सारे एप्पल की बात हुई, डॉग सारे डॉग की बात हुई, एन इंग्लिश मैन, मैंने अभी बोला था एन इंग्लिश मैन, तो सारे इंग्लिश मैन की बात हुई। अब इंग्लिश मैन सभी को बोला जाता है, राइट, मतलब ब्रिटिश हो, फिर अमेरिकन हो, सारे इंग्लिश मैन है, मतलब जो भी इंग्लिश यूज़ करते हैं, फिर फ्रेंच यूज़ करते हैं तो वो सारे फ्रेंच, जापानीज, चाइनीज, राइट। तो मतलब वो एक पर्टिकुलर, मतलब जब मैं बोलूँगा चाइनीज मैन, जापानीज मैन, राइट, तो वो क्या हुआ, मैं कोई पर्टिकुलर मतलब टॉम इज, मैं अगर किसी का नाम बोलता हूँ, ठीक है, मैं किसी का नाम बोलता हूँ कि सपोज कि मैंने अपना नाम ले रहा हूँ कि अल्पेश इज इंडियन मैन, तो वो पर्टिकुलर हुआ, मेरी बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी मैं डायरेक्ट बोलूँगा कि ऑल इंडियंस,
ठीक है, तो इंडियन हमारा पूरे इंडिया की कंट्री के सारे लोग हैं, ठीक है। इसमें मैंने किसी मतलब रिलीजियस की बात नहीं, किसी कास्ट की बात नहीं है, कोई पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं की है, राइट। तो नाउन का था हमारा एक नया कॉन्सेप्ट था थोड़ा, आई होप कि आप समझ गए होंगे। बाकी इसके बाद हम नाउन स्टार्ट करेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कितने टाइप्स के नाउन्स होते हैं, राइट। तो आर्टिकल ए और एन में और एक बात रह गई कि मतलब हम कोई पर्टिकुलर समूह की, मैंने बात की अभी एनिमल्स की बात की, ठीक है, तो उसके आगे हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं। हम ऑरेंज की बात की, मैंने फ्रूट की बात की, ठीक है, तो हम तो रह गए हम टीचर्स, तो मतलब कोई एक प्रोफेशन, मतलब किसी प्रोफेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके आगे मतलब किसी प्रोफेशन को हमें दिखाना है, डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, इंजीनियर्स, तो ये सारा मतलब समूह हुआ। मतलब एक तो इंजीनियर है नहीं इधर में, एक तो टीचर तो हूँ नहीं, मतलब आप एक स्टूडेंट नहीं हो, मतलब तो ये पूरा एक समूह हुआ। तो उसके आगे भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर ए और एन में फिर हम कंडीशन देखेंगे कि मतलब वोवेल साउंड्स लाइक वोवेल और नॉट, साउंड्स लाइक कंसोनेंट और नॉट, वो उसके हिसाब से देखेंगे। लेकिन आर्टिकल ए और एन का कोई मतलब समूह के बारे में जब बात की जाती है तो उसके आगे हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं। सो गाइस, मतलब आज के लेक्चर में हमने देखा आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल, जब हमने देखा कि आर्टिकल ए और एन एंड आर्टिकल द का यूज़ हमने देखा, राइट। सो कीप प्रैक्टिसिंग इट एंड वोकैब, मतलब इंग्लिश के स्पेलिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग पढ़ो, सिर्फ आपको मतलब वोकैब्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी लैंग्वेजेस के लिए, तो मतलब वोकेबुलरी इंप्रूव होगी आपका लॉकडाउन का टाइम में, तो यू सो यू ऑल आर फ्री। सो मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश न्यूज़ देखो, या फिर आप अगर टीवी देखते हो कार्टून में तो वो सबटाइटल के साथ आता है, पता है आपको। अब अगर मूवी देखते हो तो उसके नीचे सबटाइटल लिखा होता है, मतलब जो एक्टर जो भी बोलता है ना उसका कन्वर्ट होता है नीचे। तो हॉलीवुड के मूवीज़ है वो देखो आप, मतलब ठीक है, राइट। तो कम्युनिकेशन, मतलब बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब सिर्फ इंग्लिश पढ़ने से बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स कभी नहीं होगी, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर मतलब आप यूट्यूब पे अगर कुछ देख रहे हो तो आप देखो, फिर उसको बोलने की ट्राई करो, ठीक है। बाकी तो क्या है, मतलब हम इंग्लिश बोलना भी एक आर्ट है, राइट। तो मतलब देखो हम इधर हम गुजराती पीपल है, राइट, तो मतलब हमारा काठियावाड़ी, उसमें भी हमारी स्पेशली काठियावाड़ी गुजराती, आपको तो पता है मतलब कौन से टोन में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है इन रियल लाइफ में, राइट। मतलब आप बड़े हो गए, आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, बड़ी बड़ी कंपनी में अगर आप काम करोगे, ठीक है, तो आपको इंग्लिश कंपलसरी है, मतलब कुछ अच्छे टोन में आपको बोलना है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि मतलब कैसे बोलते हैं। तो मतलब आप सबटाइटल वाले देखो, फिर पोज करके आप उसको प्रैक्टिस करो कि मतलब ऑरेंज, राइट, दे आर, तो वो सब प्रोनाउंसिएशन है उसका आप प्रैक्टिस करो, राइट। तो मतलब आपके इंग्लिश इंप्रूव होगा, मतलब आपको बोलने में दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा, और मतलब आप धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो मतलब यू आर फैमिलियर विद दैट एंड आपको और आपको भी मज़ा आएगा। मतलब एक बार आप ट्राई करो, मतलब किसी इंग्लिश मूवी को देखो और फिर उसको पोज करके आप उसको प्रैक्टिस करके देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं मतलब सर, अच्छा सर ने सही बोला था, ठीक है। मैं MNC के लिए मैंने वर्क किया है तो मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि मैं जब स्पोकन इंग्लिश में सीख, मैं कोर्स नहीं किया है कहीं से मैंने, ठीक है, तो मैं भी ऐसे ही सीखा था। मतलब मैं ऑफिस में फ्री रहता था, ठीक है, या फिर घर पर फ्री रहता था तो मैं फ़ोन में देखता था, फिर लिखता था, ठीक है। ग्रामर देखो, ग्रामर सीखना भी ज़रूरी है, राइट, लेकिन प्रैक्टिस भी इतने ज़रूरी है। तो मतलब मैं इधर पढ़ाता हूँ तो आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और पेरेंट्स को भी मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मतलब आपके अपने चिल्ड्रंस को, मतलब अपने किड्स को थोड़ा प्रैक्टिस करवाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।